भोपाल की राधिका 26 साल की उम्र में ही विधवा हो गई थी। बच्चों का सही पालन पोषण करने और उनके अच्छे भविष्य के चक्कर में राधिका खुद की शारीरिक इच्छाओं के बारे में जैसे भूल ही गई थी। लेकिन इंटरनेट की मदद से उसको एक ऐसा दोस्त मिला कि उसकी सारी शारीरिक इच्छा अब पूरी हो जाती है। राधिका कहती है, मेरी 21 साल की उम्र में ही अरेंज मैरिज मध्य प्रदेश भोपाल में हो गई थी। केवल 10वीं कक्षा तक पढ़ाई करने के बाद भी मुझे उदय जैसा इतना पढ़ा लिखा और इतना प्यार करने वाला जीवन साथी मिला। शादी के 3 सालों बाद हमारे पास 2 प्यारे बच्चे थे। सब कुछ जैसे एक सपने की तरह था, लेकिन शायद किस्मत को यह मंजूर नहीं था। शादी के 5 साल बाद उदय को एक रात बुखार हुआ, उसके बाद उसकी हालत बिगड़ती ही चली गई। हमने उन्हें अस्पताल में भर्ती किया, लेकिन 2 दिनों के भीतर ही उनकी मृत्यु हो गई थी। मेरा हंसता खेलता जीवन एकदम से ही अंत हो गया। सब कुछ बिखर सा गया था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या समेटूं और कहां से समेटना शुरू करूं। मैं बहुत अकेली महसूस कर रही थी। उदय सिर्फ मेरा पति ही नहीं था, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी था। मेरे पास अब सिर्फ एक ही रास्ता था, खुद को भूल जाने का और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचने का। घर वालों की मदद से कुछ वक्त घर चला, फिर मैंने अपने एक चाचा जी की मदद से काम सीखा और उन्हीं की कंप्यूटर की दुकान पर काउंटर संभालना शुरू कर दिया। वहां सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक लोग घंटे के हिसाब से कंप्यूटर इस्तेमाल करने आते थे, जिनमें से कुछ लोग नौकरी के लिए अप्लाई करने, कुछ सरकारी दस्तावेजों का काम करने, तो कुछ ट्रेन टिकट बुक करने आते थे। मुझे काम शुरू करने के कुछ दिनों बाद यह बात भी समझ आ गई थी कि कुछ लोग घंटों पोर्न वीडियो और चैट का इस्तेमाल करने भी आते हैं। खैर, सबको अपनी अपनी आज़ादी है कि वो अपने लिए सही और गलत चीज़ों का चुनाव खुद करें। क्योंकि चाचा जी की इलाके में बहुत इज्जत थी, तो मुझे किसी तरह की कोई असुरक्षा नहीं थी। दिन और साल यूं ही गुजरते गए, सब कुछ बस गुजर रहा था। सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मैं काम पर आती और काम से सीधा घर, और घर पहुंचते ही किचन में। घर वालों ने शादी की भी बात रखी, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि मैं उदय का घर और उसकी यादों को भुला सकती हूँ। कुछ लोग मेरी हिम्मत की दाद देते थे तो कुछ बेचारी भी कहते थे, लेकिन इन सभी अच्छी भूमिकाओं को निभाते हुए मैंने खुद को जैसे कहीं खो दिया था। शायद यही वजह थी कि चिड़चिड़ापन और उदासी मेरे सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे और हमेशा मेरे साथ रहते थे। एक सुबह शीशे में अपने आप को देखते हुए बालों की पहली सफ़ेदी देखा तो एक धक्का लगा, फिर दुपट्टे से सिर ढक काम पर निकल गई। आज चाचा जी दुकान नहीं आए थे। शाम को दुकान बंद करने के लिए मैंने सभी कंप्यूटर बंद करना शुरू किया। मेरी नज़र एक कंप्यूटर में हिंदी सेक्स कहानियाँ के खुले पेज पर गई। मैंने घबराकर जल्दी से कंप्यूटर बंद कर दिया, लेकिन पूरे रास्ते में इसके बारे में ही सोचती रही। और अगली सुबह मैं दुकान 15 मिनट पहले ही पहुँच गई। मैंने वो पेज दोबारा खोला और हिम्मत कर पढ़ना शुरू किया। इसके बाद तो जैसे सिलसिला ही चल पड़ा। मैं रोज़ सुबह आधे घंटे पहले ही काम पर जाने लगी और किसी के आने से पहले नई नई कहानियाँ पढ़ने लगी। कई बार ख्याल आता कि अगर किसी को पता चल गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं एक विधवा और अच्छी औरत थी, जिसे समाज की नज़र में शारीरिक इच्छा रखने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन मैं रुक नहीं पाई और किसी को शक हो इससे पहले इंटरनेट वाला एक मोबाइल ले आई। अब तो कोई डर भी नहीं था और बच्चे के सो जाने के बाद मैं चैन से मोबाइल पर यह कहानियाँ पढ़ने लगी। लेकिन इससे भी ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं था। एक कहानी में मुझे डिल्डो के बारे में पता चला। मैंने उस बारे में इंटरनेट पर और जानकारियाँ ढूंढी तो अपने लिए उसे ऑर्डर करने से रोक नहीं पाई। सवाल यह था कि कैसे बिना किसी को पता चले ऑर्डर करूँ। तो बच्चों के कुछ कपड़े ऑर्डर करने के बहाने मैंने एक ऑनलाइन वेबसाइट से यह ऑर्डर कर लिया। जिस दिन यह डिलीवरी होने वाला था, उस दिन मैंने बुखार का बहाना बनाकर छुट्टी ले ली और सारा दिन घर पर ही रही।
आखिरकार दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दुपट्टे से मुंह छुपाते हुए पेमेंट की और डब्बा लेकर जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया। डब्बा खोलते हुए मेरी सांसें तेज चल रही थी। इतनी बोरिंग चिरचिरी जिंदगी में जैसे उत्सुकता वापस भर आई थी। मैं अब भी वही थी, दो बच्चों की अकेली माँ, लेकिन मैं एक औरत भी थी जिसे उदय ने बेहिसाब प्यार दिया था। एक औरत जिसकी खुद की भी कुछ इच्छाएं हैं, जिन्हें वो अब बिना कुछ गलत किए और शर्मिंदा महसूस किए पूरा कर सकती है। मैं अब पहले की तरह खुश और चुलबुली हो गई। मेरे परिवार को यह तो नहीं समझ आता कि मेरे अंदर यह बदलाव कब और कैसे आया है, लेकिन मुझे पता है कि वो मुझे ऐसे देखकर बहुत खुश हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक भी कर देना।